एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वो रोज सुबह जाता। उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए वो बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था, पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके थोड़ा सा समझाया और मना किया। कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। तो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे, राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। और वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आता था तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर पर टकरा गया। तो फिर उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली, और जैसे ही वो चीखा उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप करके उसको देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। तो जब उस बच्चे ने इस गूंज को सुना उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा, कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, कि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको तंग कर रहा है वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई। और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। और फिर वो बच्चा खिलखिला के हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।